तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत बम्पर जॉब लेके आया हूँ, बहुत अच्छी, बिल्कुल फंटास्टिक सा जॉब। तो बने रहो, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, सैलरी रिक्वायरमेंट्स, लोकेशन, हर एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो बने रहो वीडियो में, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो की डिटेल्स। फ्रेंड्स, जो प्रोसेस होने वाला है आपका, वो ये जो है ALG से रिलेटेड होएगा। और जो प्रोसेस होगा, जैसे कि एक होता है नॉन वॉइस और वॉइस, तो ये तो फ्रेंड्स ये आपका जो होने वाला है प्रोसेस, ये वॉइस प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रिक्वायरमेंट्स की, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है फ्रेंड्स। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपका, अंडर ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएट हो, विद 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन BPO सेक्टर में ही। आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए जरूर, ये मैंडेट है फ्रेंड्स। ये पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल प्रोसेस है, ठीक है। ये डोमेस्टिक प्रोसेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग डेज की, कि कितनी वर्किंग डेज होंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें हम इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, जो आपके वर्किंग डेज होंगे वो 5 डेज होंगे, 2 दिन का ऑफ होगा। और मैं ये भी बता देता हूँ, आपका जो 5 दिन का आपका वर्किंग डेज होगा, ये रोटेशनल होगा। जरूर ऐसा नहीं होगा कि आपका जैसे कोई एक शिफ्ट दे दिया आपको और आपने उसी पे ही आपने वर्क किया पूरा मंथ, नहीं, ये रोटेशनल होगा, कभी भी रोटेट हो सकता है। और अब हम बात करते हैं ऑफ की, जैसे 2 दिन का जो ऑफ मिलेगा आपको, तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन यानी कि सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, ये रोटेशनल ये भी होगा आपको, कि कभी भी आपका जो है ऑफ जो है 2 दिन का, वो आपको कभी भी मिल सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि ये जो है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है, वर्क फ्रॉम होम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं, हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं अगर, तो इसमें जो कैब्स हैं आपको वो मिलेगी, बोथ साइड है, यानी कि आने के लिए भी है और जाने के लिए भी है। तो इसके लिए आपको ट्रैवलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं, आपको कुछ सोचना नहीं है, खुद की बाइक हो ना हो कोई इशू नहीं है उसके लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन किस तरफ है। लोकेशन आपका है ये गुड़गांव, जो जॉब होने वाली है आपकी, ये गुड़गांव के लिए होने वाली है फ्रेंड्स। अब हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि सैलरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें अप टू 35,000 सैलरी आपकी होने वाली है, इन हैंड की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इन हैंड जो आपकी सैलरी होगी वो अप टू 35,000 होगी, यानी कि आपकी सैलरी माइट भी 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी, 30 भी और 35 भी। वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके इंटरव्यू पे, कि आप इंटरव्यू कैसा देते हैं, HR को कैसा फेस करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपकी, उतनी ही अच्छी आपको सैलरी प्रोवाइड होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बताना चाहूँगा कि ये भी डिपेंड होगा आपका, जैसा कि आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो वो भी डिपेंड वहाँ पे देखा जाएगा कि आपको लास्ट जॉब में आपको सैलरी कितनी मिल रही थी, तो उससे तो प्लस होकर ही मिलेगी। मान लीजिए आपकी लास्ट सैलरी थी 25,000 रुपये, तो उससे प्लस होकर ही वहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे DM करिए, यानी कि इंस्टाग्राम पर जाइए, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जाइए वहाँ पर, वहाँ से मुझे DM करिए, मैं आपको पर्सनली HR का नंबर शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आप जाके अपना बात कर लीजिए, जो भी आपके इश्यूज है, जो भी क्वेरी है, और भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।